हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और आज हम एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड करने वाले हैं। जैसे कि पहले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि एडम स्मिथ ने मर्केंटलिज्म के विपक्ष में लिखा है। 1776 में उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया था कि मर्केंटलिज्म से सब देशों को फायदा नहीं होता, लेकिन अगर हम फ्री ट्रेड कर दें तो सबको फायदा हो सकता है। इसके लिए इन्होंने एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी का इन्वेंशन किया। क्या कहती है एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी? सपोज दो देश हैं और सपोज ये कंट्री ए प्रोडक्ट बनाती है 10 एक टाइम पर, और उसी टाइम पे बी बनाती है 5। मतलब सपोज एक घंटे में 10 प्रोडक्ट बनाती है ए और एक घंटे में बी प्रोडक्ट बनाती है 5। ऐसे ये वाली कंट्री ए प्रोडक्ट बनाती है 5 एक घंटे में और बी प्रोडक्ट बनाती है 10 एक घंटे में। तो इसके लिए फायदा किसमें है? एक घंटे में 10 बनाने में, और इसके लिए फायदा किसमें? एक घंटे में बी वाले को बनाने में। तो ये शिफ्ट हो जाएगी ए की तरफ और ये शिफ्ट हो जाएगी बी की तरफ। ऐसा कुछ होगा, जैसे सपोज ये कंट्री है ए और बी और ये यूनिट्स ऑफ लेबर है या मैन डेज है। एक दिन में एक्स कमोडिटी बनती है 20, वाई बनती है 10। यानी अगर रेशियो निकालें तो एक्स कमोडिटी का ज्यादा है, वाई का कम है। ऐसे बी वाले के लिए वाई का ज्यादा है और एक्स का कम है। तो इस तरीके से ये हमारी इंडिया ए एक्सपोर्ट करेगी और ये कंट्री बी एक्सपोर्ट करेगी। इस तरीके से इनके बीच में ट्रेड हो जाएगा। इसमें कुछ अजम्पशंस लिए गए थे। कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज वेयर डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ लेबर इन्वॉल्व इन देयर प्रोडक्शन। कितने लेबर उसमें इन्वॉल्व हैं इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा दोनों कंट्रीज में। ही अज्यूम्ड दैट लेबर वॉज मोबाइल। एक कंट्री के अंदर लेबर मोबाइल है, लेकिन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेबर का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसा इनने एक अजम्पशन लिया था, नहीं तो फिर तो ये थ्योरी नहीं बना पाएंगे ऐसी। और दो कंट्रीज और दो कमोडिटीज के बीच में ही एनालिसिस होगा, और दो कंट्रीज के बीच में तभी ट्रेड पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज का कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें उनको सबसे कम कॉस्ट लग रहा हो और वो एक दूसरे के लिए तैयार भी हो ट्रेड करने के लिए। ऐसे कुछ अजम्पशंस बनाए थे। तो अगर हम देखें, एक और एग्जांपल लें, जैसे ब्राज़ील एक साल में 5 कार बनाता है लेकिन 2 ही बाइक बनाता है। यूएस एक साल में 2 कार बनाता है, 8 बाइक बनाता है। तो इसके लिए बाइक बनाना अच्छा है, इसके लिए कार बनाना अच्छा है। तो इनके बीच में एडवांटेज क्या है? ब्राज़ील को एब्सोल्यूट एडवांटेज है कार बनाने में और यूएस को एब्सोल्यूट एडवांटेज है बाइक्स बनाने में। उसके बाद ये एक दूसरे से ट्रेड कर लेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए लेबर आवर्स के बारे में। सपोज इंग्लैंड को 60 घंटे लगते हैं एक क्लोथ बनाने में और 110 घंटे लगते हैं एक वाइन की बॉटल बनाने में। पोर्तुगल को 120 घंटे लगते हैं वही एक कपड़ा बनाने में और 70 घंटे में वो एक वाइन बना लेता है। तो 70 घंटे में वाइन बनाना पोर्तुगल के लिए अच्छा हो गया और इंग्लैंड के लिए कपड़ा बनाना अच्छा हो गया। बाद में ये लोग एक दूसरे को ट्रेड कर लेंगे। सिंपल सी थ्योरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट की, लेकिन इसमें एडवांटेज क्यों होता है? एक तो होता है एग्रेट एडवांटेज। एग्रेट एडवांटेज का मतलब होता है वो एडवांटेज जो किसी और के पास ना हो, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस, मिनरल्स एंड मेटल्स, ये सबके पास नहीं होते। जिसके पास होते हैं वो एडवांटेज में रहता है, वो इसको सप्लाई करके दूसरी चीज ले लेता है। नेक्स्ट, वैलीज और माउंटेन्स कहीं कहीं पर ये ज्यादा है, टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत अच्छा है, या कुछ औषधियां ऐसे इलाकों में ज्यादा मिलती हैं। ऐसे ही वाटर और बीचेस, कहीं कहीं समुद्र के बीच इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखने के लिए लोग जाते हैं, तो वहां बीच पर जो काम होते हैं वहां पर इनके लिए एडवांटेज हो गया। ऐसे ही इकोसिस्टम यानी कि क्लाइमेट, सब जगह क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता और उस क्लाइमेट की वजह से वहां का प्रोडक्शन अलग अलग होता है, तो उसका भी एक फायदा होता है जो केवल वहीं हो सकता है। तो ये एडवांटेज भी कोई कंट्री ले सकती है। जैसे कि मिडिल ईस्ट में ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स हैं, टूरिज्म प्लेस होते हैं, कई नेचुरल मेड होते हैं। गोल्ड के डिपॉजिट साउथ अफ्रीका में इतने ज्यादा हैं कि उसने रिच बना दिया है साउथ अफ्रीका को। कुछ कंट्रीज होती हैं जिनके पास यूरेनियम बहुत ज्यादा है। यूरेनियम का इस्तेमाल केवल न्यूक्लियर वेपन के लिए ही नहीं, बम्स बनाने के लिए नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। तो दे आर इन एट एडवांटेज ऑफ दिस। इसी के साथ एक और होता है एडवांटेज, एक्वायर्ड एडवांटेज, यानी वो एडवांटेज जो हम एक्वायर कर सकें, कमा सकें, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो फाइनाइट है, ये कब तक चलेंगे। तो फिर कुछ और होता है जो आप कमा सकते हो, जैसे एजुकेशन दो, नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन लाओ नया नया। हमारा ये मोबाइल फोन आज जो एंड्रॉयड का है, ये जियो का 4G, एवरीथिंग इज इनोवेशन। तो ये एक्वायर्ड एडवांटेज जिसके पास होगा वो एक तरीके से इनफाइनाइट होगा, और इसीलिए जो इसमें ज्यादा होगा एडवांटेजियस
वो ज्यादा ट्रेड कर सकता है इनके बल पर, यानी हमारे पास जिस चीज की बहुलता है हम उस पर ज्यादा काम करेंगे। अगर हमारे पास साइंटिस्ट अच्छे हैं तो हम नई चीजें ईजाद करेंगे, अगर हमारे लेबर्स में स्किल्स अच्छा है तो हम अपने प्रोडक्शन पर और एडवांसमेंट करेंगे। हमारी टेक्नोलॉजी, नॉलेज, एजुकेशन, ये सब हमारा है और ये इनफाइनाइट है, तो इस पे भी हमारा फायदा है। लेकिन इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, वो ये था कि ये सबसे पहली बात तो है बायलेटरल है, यानी कि दो कंट्रीज और दो कमोडिटीज को लेती है। दूसरी चीज है कि इसमें अगर एक को ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए हो, मान लो उसको अपनी क्षमता बढ़ानी हो या उसकी भूख ज्यादा हो गई, नीड ज्यादा हो गई, तो क्या करोगे आप? उसके लिए कोई आंसर नहीं है। मल्टी ट्रेड यहाँ नहीं हो सकता, यानी बहुत सारी कंट्रीज नहीं आ सकती, दो ही कंट्रीज आ सकती हैं। और फ्री ट्रेड लिया है आपने, अगर फ्री ट्रेड ले लोगे तो डंपिंग वगैरह क्या करोगे? जब बड़ी बड़ी कंपनीज डंप करना चाहेंगी दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते माल में, तो उनको कैसे रोकोगे? क्योंकि बैरियर्स तो है ही नहीं। तो इसीलिए कुछ घाटे भी हैं इसके फ्री ट्रेड के। फ्री ट्रेड इज नॉट गुड क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन नहीं होता, ताकि अगर प्रोटेक्शन नहीं लोगे तो आपका पूरा डोमेस्टिक कंट्री खत्म हो जाएगा उसका ट्रेड। अभी कुछ साल पहले चाइना देना चाह रही थी ना 5,000 में बाइक, 5,000 में लैपटॉप, अगर वो आ जाते इंडिया में तो इंडिया की कंपनी का क्या हाल होता? टैरिफ तो बहुत जरूरी होता है। तो रिकार्डो ने इसका क्रिटिसिज्म किया, इसको माना भी, लेकिन 1817 में इन्होंने एक बुक लिखी, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, और उसमें इन्होंने समझाया कि कैसे कंपैरेटिव एडवांटेज हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है ये मैं बताता हूं, और इस कंपैरेटिव एडवांटेज को बाद में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी डिस्प्लेस किया हेबरलर ने, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम यहां पर रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज को देखते हैं।